हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं यहाँ पे ब्रेड के बीच में फ्रेश मलाई जो मैं मिल्क से निकाली थी उसी को डाली हूँ, और थोड़ा सा मैं इसमें स्प्रेड की थी शुगर। और इवनिंग का टाइम है, 2-3 बजे के आसपास है। और यहाँ पे प्याज, लहसुन और मिर्च कट करके रखी हूँ, और दूसरी साइड में आलू को बॉईल करके मैं मैश कर दी हूँ। और कढ़ाई रखी हूँ मैं, उसको गरम कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है आलू पराठा। तो मैंने साधना साधना चॉप कर रही है प्याज वगैरह, और मैं कट कर दी थी। और दूसरी साइड में मैं कुछ और भी काम कर रही हूँ, तो उसको मैं बोली कि तुम उसको चॉप कर दो, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो कढ़ाई भी रख दी हूँ गर्म होने के लिए। और उसके बाद ये मैं भून रही हूँ प्याज वगैरह जो भी मैंने चॉप किया था, साधना ने सॉरी चॉप किया था, उसको मैं यहाँ पे भून ले रही हूँ। और उस हल्दी नमक वगैरह डाल दी। और उसके बाद जो उसका जार था ना, उसको मैं वॉश कर ले रही हूँ क्योंकि साथ ही साथ वॉश कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आलू था उसको मैं डाल दी हूँ कढ़ाई में। और डालने के बाद इसको भुना जा रहा है, और इसमें हल्दी नमक और सब कुछ डाल दिया गया, जैसे थोड़ा सा जीरा पाउडर और हींग भी मैं पहले ही डाल दी थी। तो उसके बाद वो साधना इसको भून रही है, और फिर मैं दूसरी साइड में। तो ऐसे होता है ना कि हम जब दोनों किचन में रहते हैं ना, तो कोई कुछ काम वो कर देती है, कुछ काम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आलू अच्छी तरह से भुन गया है, थोड़ा सा और भुनना है क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होने लगा है। और जब हार्ड होने लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ हो गया, अब ज़्यादा इसको भुनने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं दूसरा काम कर रही हूँ, और साथ में साधना आलू पराठे बना रही है, और मैंने इधर कुकर में कुछ और भी रख दिया है। और जो बर्तन थोड़े से थे ना, वो सब मैं वॉश कर रही थी। और यहाँ पे मैं आलू जो है इसको भी मैं निकाल लूँगी छोटे से बाउल में, क्योंकि इसको मुझे वॉश करना है। तो सोच रही थी कि मैं साथ ही साथ इसको कढ़ाई को वॉश भी कर दूं, और जो जार था उसको मैं नीचे सेट कर दे रही हूं क्योंकि बास्केट में बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। और मैं टोमेटो सॉस लेके आई हूं कि स्पॉश मांग रहा है खाने के लिए। और यहाँ पे जो लंच बॉक्स वगैरह है ना, तो इसी में मैं रख के, और फिर जो बचता है उसको मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे साधना बोल रही थी कि मैं बना देती हूँ। एक्चुअली क्या था ना, स्पॉश को भूख लगी हुई थी, तो वो दो आलू पराठा बना रही। तो मैं जितने भी काम करने इधर मैंने निकाल लिया, और जो काम करने हैं ना उसको मैं सोच रही हूँ करने के बाद फिर एक तवा रख दूंगी मैं दूसरी साइड में। उसके बाद फटाफट जितने भी बनाने हैं तो उसको मैं सब बना लेंगे। और इस साइड में बर्तन वॉश कर रही हूँ, जो छोटे छोटे बर्तन निकल जाते हैं, और किचन में काम करो तो बहुत सारे बर्तन निकल भी जाते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम मैं थोड़ा सा लो कर रही थी, और मैंने जो बर्तन वॉश करना था वो मैं कर ली हूँ। और उसके बाद ये जो आलू पराठा के लिए जो आलू था उसको मैं इसमें निकाल के, और उसमें कढ़ाई में मैं डाल दे रही हूँ पानी, क्योंकि वो बर्तन में ऐसा होता है ना कि फूल जाता है, तो बहुत अच्छे से वॉश होता है। और नहीं फूलता है ना, तो बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा घिसना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं सारे बर्तन में हमेशा क्या करती हूँ, पानी वगैरह सब कुछ डाल के तभी छोड़ती हूँ, फूल जाता है, उसके बाद बहुत ही अच्छे से वॉश हो जाता है। और यहाँ पे मैं तवा रख दी हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि बहुत जल्दी हो जाएगा। और एक तवा उधर रखा हुआ है, और इस पे थोड़ा सा पानी था क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा पहले से रखा हुआ था ना, तो पानी से वॉश करना पड़ा। और मैं उस साइड चली गई क्योंकि साधना बोल रही थी कि भाभी फट जा रहा है, तो मैं सोची चलो हम मैं बनाती हूँ उधर, और दोनों तवे पे तुम पलटते रहना, और जो भी ऑयल लगाना है वो ऑयल लगाना, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और ज्यादा देर किचन में क्या रहना, जब दो लोग हैं तो साथ साथ मिलके काम भी कर लेंगे, और वो भी जाएगा बहुत जल्दी।
तो यहाँ पे देखिए संपर्क आलू और प्याज ला के रखा है, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है संपर्क ही सिर्फ नहीं है, स्क्वॉश भी साथ में था तो यहाँ से भाग गया है। और यहाँ पे वो जितना भी ना अलग से बना के और उसके बीच में बैठता है, और ये स्क्वॉश लेके आया है आधा, और आधा संपर्क लेके आया है, प्याज लहसुन और जितने भी बास्केट में रहते हैं ना सारा कुछ लेके चला आता है। तो मैं सोची कि चलो अब जब लेके आ गए हो आप लोग तो खेल लो थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम मैं रख दूंगी। और यहाँ पे बन रही है चाय, और ये साधना की चाय है, तो इस टाइम पे चाय बन रही है। और ये आ गए हैं मेरे हस्बैंड जी, तो वो लेके आए थे समोसे, तो मैं उनको दे दे रही हूँ, और साधना खाएगी, संपर्क खाएगा और एक स्पर्श खाएगा, क्योंकि मैं कल ही समोसा खाई थी तो मुझे ज़्यादा खाने का मन नहीं हो रहा है तो इसी वजह से। और मैं अभी थोड़ा सा जलजीरा पानी ली थी कुछ देर पहले, तो इसी वजह से मुझे खाने का मन नहीं हो रहा, तो ये मैं दे रही हूँ इनको, क्योंकि एक स्पर्श खा लेगा और एक ये खा लेंगे, और ज़्यादा दो तीन समोसा तो सही में वाकई में खाने का मन नहीं होता है। एक गुड इवनिंग, और अभी मैं दोपहर में सूट गई थी, उसके बाद अब मैं इवनिंग में सूट कर रही हूँ, और यहाँ पे स्पर्श है रेडी है, हम जा रहे हैं ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए, और इवनिंग के हो रहे हैं अभी 7:30। और स्पर्श ने रेड कलर का टी शर्ट डाला है और नीचे कैप भी डाला है इसमें येलो कलर का, और मैं वही वाली कुर्ती बता रही हूँ, और चूड़ी वगैरह आज कुछ चेंज नहीं करी हूँ मैं, तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अभी फिलहाल मेरी तबीयत ठीक है, तो मैं सोची कि चलो ये जा रहे हैं, ये बार बार बोल रहे थे, तो फिर मैं भी चलो चलते हैं, सामान वगैरह खरीदना है, ज़्यादा ही सामान खरीदना है इसी वजह से, और चलिए फिर चलते हैं, और वहाँ पे मैं सूट करूँगी फिर थोड़ा बहुत कि मैं शॉपिंग कैसे कर रही हूँ क्या है, चलिए फिर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं विशाल, और मैं साधना से भी बोली चलो, तो उसने मना कर दिया, उसकी एक्चुअली वो बोल रही थी कि भाभी मैं नहीं जाऊँगी, दूसरे दिन किसी दिन चलूँगी, तो फिर मैं इनके साथ आ गई। और विशाल में अभी हम आए हैं, और यहाँ पे स्पोर्ट्स के स्लीपर्स वगैरह देखने थे मुझे, क्योंकि उसको स्लीपर जो है ना वो छोटे हो गए हैं, और ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी। फिर हमने यहाँ आने के बाद मैं बोली कि यहाँ से ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज़ नहीं मिल पाती है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल जाती है बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है, और जब जहाँ से हम लेते हैं ना वहाँ पे बहुत ही अच्छे रेट से मिल जाता है। तो यहाँ पे पर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो इसको मैंने ले लिया, कैमरे में कैप्चर कर लिया, और दो पर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बट जब मैं पर्स लेती हूँ ना तो ये मना कर देते हैं क्या करेगी इतना सारा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी है, तो इसी वजह से मैं छोड़ देती हूँ, नहीं ली मैं, लेकिन पसंद आ रहे थे मुझे। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत सूट कर ली, जहाँ बिस्किट रखे हुए यहाँ पे हैं, बहुत सारे बैग्स, एयर बैग्स और ट्रॉली बैग, बहुत सारे अच्छे अच्छे बैग्स थे, तो मैं यहाँ खड़ी थी, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। और ये चले गए थे एक्चुअली स्लीपर्स देखने, मैं बोली कि आप स्लीपर देख लो, उसके बाद फिर मैं उसके बाद हम बाहर निकलेंगे और ग्रॉसरी की शॉपिंग करने चलेंगे। एक्चुअली इनका मन यहीं से था कि मैं शॉपिंग यहीं से करूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं यहाँ से हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ गए हैं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ से हम निकल जाएंगे बाहर को, और जाएंगे जहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं ग्रॉसरी की, वहाँ हम जाएंगे अभी। तो यहाँ पे आ गई हूँ जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ सामान जो जो लेना था, तो मैंने नमकीन वगैरह ले रही हूँ, यहाँ पे है देखिए पानी पूरी मैजिक, तो ये वाला जो है ना मैं एक बार लेके गई थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और काफ़ी अच्छा बनता भी है, तो इस बार मैं नहीं ली हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं मार्केट से ट्रांसपेरेंट पोलथीन में जो आता है पैक किया वो मैं ली थी, और यहाँ गई हूँ बिस्किट साइड में। और मैं बताती हूँ कि यहाँ पे हमें बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि स्पर्श यहाँ पे बहुत सारा टाइम यहाँ पे बिस्किट सेलेक्ट करने में लेता है, ये वो जो मर्जी वो उठाता है, फिर हम उसको रख देते हैं, ऐसे चलता रहता है। और प्लीज आप लोग ऐसा मत बोलिएगा कि मैं देवरानी को छोड़ के शॉपिंग करने को आ गई हूँ, क्योंकि आजकल मेरे पास बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भर भर के आ रहे हैं कि देवरानी के बारे में और मेरे बारे में, तो प्लीज आप लोग ऐसे कमेंट्स मत करिए, और ये भी आप लोग मत बोलिए कि मैं छोड़ के आ गई हूँ। और यहाँ पे बिस्किट्स, मुझे बेकरी बिस्किट लेनी थी, और यहाँ पे स्पॉश ले रहा था केक,
तो केक वो देख रहा है और मैं लूंगी अपने लिए बेकरी बिस्किट और टोस्ट हमने ले लिया है। तो यहाँ पे स्पर्श है एंड उसके डैडी हैं और स्पर्श केक सलेक्ट कर रहा था, तो ये उसको दूसरा दिए हैं फ्रूट्स वाला और इसने एक उठाया। अभी बिस्किट्स है और केक है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देखिए इतना खुश है केक लेने पे, और ये घर जाने के बाद भी ना केक ही ढूंढता रहता है। और यहाँ पे ये बोल रहे थे, मैं भी बिस्किट रख रही थी, ये बोल रहे थे तुम लोग सारा जो बास्केट है ना सारा बिस्किट से तुम लोग भर देते हो और कोई चीज़ तुम लोग को सेलेक्ट करना ही नहीं है, स्पर्श और तुम दोनों एक ही जैसे ऐसे ही करके बोल रहे थे। और यहाँ पे मैं उठाई एक मैगी, और मैगी ये ना छोटा वाला लिए थे 20 रुपीज़ के आसपास जो आता है ना वो, फिर मैंने बड़ा वाला फैमिली पैक मैंने ले लिया क्योंकि मैगी रहता है ना घर में तो यूज़ होता रहता है, और लास्ट टाइम वाला ना मेरा ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसी वजह से मैगी रहता है, तो खाना ना नहीं है तो हम शाम के टाइम या मॉर्निंग टाइम कभी खा सकते हैं। वैसे मैं डेली डेली नहीं बनाती हूँ, 20 दिन पे एक बार बनाती हूँ, हमेशा का मेरा नहीं रहता है। और यहाँ पे हम आ गए हॉर्लिक्स वगैरह, बट हमें लेना नहीं था, यहाँ सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, तो जो जो हमें चीज़ें लेनी थी मैं लिस्ट बना के लेके आई थी और वही वही चीज़ें मैं ले रही थी। तो मुझे लेना था कॉफ़ी, तो कॉफ़ी मैं ली थी, लेकिन इस टाइम पे बरसात के मौसम में कॉफ़ी क्या होता है ना कि जम सा जाता है, अगर हम डब्बा लेते हैं ना तो मेरे साथ हमेशा का ऐसा है ना कि जम जाता है, तो ये बोले कि इस बार हम पैकेट वाला कॉफ़ी ले लेते हैं। इसके बाद फिर मैं भी बोली ठीक है, जैसे बरसात खत्म हो जाएगी ना सर्दी आएगी तो फिर मैं कॉफ़ी का डब्बा ले लूँगी, बट इस टाइम पे ना मैं पैकेट वाले कॉफ़ी ही ली हूँ क्योंकि वो जमेगा नहीं और एक एक करके एक बार हम एक डालेंगे। और यहाँ पे आ गए, ये बहुत बहुत ही प्यारा मुझे ये लग रहा था, बहुत ही प्यारे प्यारे ये गिफ्ट्स हैं, रक्षाबंधन के लिए आया हुआ है, जैसे भाई बहनों को गिफ्ट देते हैं ना वही वाला सब कुछ है, तो ये गिफ्ट बहुत ही मुझे प्यारा, मैं बार बार उठा के देख रही थी लेकिन मुझे लेना नहीं था क्योंकि किसी को देना ही नहीं था, स्पर्श और संपर्क की कोई सिस्टर ही नहीं है तो इसी वजह से, बट हाँ मेरी सिस्टर है वो राखी भेजेगी स्पर्श के लिए, तो देखती हूँ कुछ मैं इधर से रिटर्न गिफ्ट करूँगी। और ये बहुत ही प्यारा लगा तो मैं सोची कि चलो आज शूट कर लेती हूँ, आप लोग भी देख लोगे। तो यहाँ पे मेरी शॉपिंग जो है आधा से अधिक हो चुकी है, और इसके बाद मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था क्योंकि उसके बाद मैं लग गई शॉपिंग में अच्छे से, और थोड़ा सा जब शूट करो ना तो इधर उधर मन भटकता रहता है यार, अब मैंने जो सामान लेना था वो नहीं लिया तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं शूट करके और मैं कैमरे को रख दी थी अपने पर्स में। और यहाँ पे हम लोग बिलिंग करा रहे हैं और उसके बाद जाएंगे घर क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, 9:30 बजने वाला आई थिंक, हाँ 9 बजने वाले हैं। तो जितने भी सामान थे नमकीन बिस्किट, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। सो गाइस अब इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।